हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 20 रिप्रोडक्शन, और इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा एक और नया चैप्टर है एनिमल बिहेवियर को डिस्कस करने के बाद। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन को हम डिस्कस करेंगे, और इसमें हमारे पास तीन मेन टॉपिक हैं। एक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्शन और मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम को समझेंगे। उसके बाद डिसऑर्डर्स ऑफ रिप्रोडक्शन सिस्टम, और साथ में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस पिक्चर, क्यूट सी पिक्चर को आप देखें, जिसमें ये स्पर्म्स जो हैं ये इस एग को फर्टिलाइज़ कर रहे हैं। तो ये आपका पूरा जो है इसके अंदर आपका इसके अंदर जो है माइंड बन रहा है इसके अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, और यहाँ से हम समझेंगे। पहले देखें रिप्रोडक्शन होता क्या है। जो भी एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसमें रहते हैं, उनके अंदर एक रूल अप्लाई होता है, जिसे हम कहते हैं लाइफ बिगेट लाइफ। मतलब एक लाइफ वाली चीज़ होगी, वो दूसरी लाइफ वाली चीज़ को बनाती है। तो जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को बनाता है, तो उसमें जो पहला वाला ऑर्गेनिज्म है उसको हम कहते हैं पेरेंट्स, और जो बनने वाला ऑर्गेनिज्म है उसको हम कहते हैं प्रोजेनी, या फिर उसको अफस्प्रिंग कहा जाता है। तो अफस्प्रिंग का मतलब है कि बच्चा, वो बच्चा जो कि अभी पैदा हुआ है। इस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर एक सेम स्पीशी के अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो होगा वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को बनाता है। पेरेंट्स जो होंगे वो अपने अफस्प्रिंग को बनाते हैं, या प्रोजेनी को बनाते हैं। अब ये जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, इसके अंदर ये लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा वाइटल है, ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी के लिए नहीं। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो रह तो सकता है विदाउट रिप्रोडक्शन, लेकिन उसकी स्पीशी की के लिए जो है वो ये इम्पॉर्टेंट है। उसकी रेस के लिए, उसकी नस्ल को बढ़ाने के लिए ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये प्रोसेस लाइफ के लिए तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये स्पीशी की लाइफ के लिए, उसकी नस्ल की ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसकी कंटिन्यूटी ऑफ रेस, उसकी नस्ल की नस्ल को आगे कंटिन्यू रखना, इसके लिए ये रिप्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस प्रोसेस इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। इस प्रोसेस की वजह से हमारी लाइफ जो है वो कंटिन्यू रहती है, और ऑर्गेनिज्म उसी तरह से आगे जो है चलते रहते हैं हमारी इस दुनिया के अंदर। और जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है, और वो ऑर्गेनिज्म जो है वो आगे ग्रो होता है, फिर से वो दूसरे ऑफस्प्रिंग को बनाता है। इट परफॉर्म येट अनदर फंक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। इसके लिए रिप्रोडक्शन की वजह से एक और भी हमारे पास प्रोसेस होता है, और वो होता है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हेरिडिटी जो होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, वो एक ऑर्गेनिज्म से पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होती है, और ये रिप्रोडक्शन की वजह से हो पाता है। जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर किस वजह से जा पाती है, इस रिप्रोडक्शन की वजह से जा पाती है। तो ये जो प्रोसेस है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल सिलेक्शन है, और मिलियंस ऑफ ईयर से ये तो है प्रोसेस, ये चलता आ रहा है। ऑर्गेनिज़म्स रिप्रोड्यूस करते हैं, और इस रिप्रोडक्शन के जो होंगे वो दो टाइप्स हैं। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रिप्रोडक्शन, ऐसी रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और उसके अंदर दो पेरेंट जो है वो आपस में मेटिंग नहीं करते, वो अपने स्पर्म्स और एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं करते, एक जैसे कि सेक्सुअल के अंदर होता है। सेक्सुअल के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास एक पेरेंट होगा वो अपने एग देगा, और दूसरा पेरेंट अपने स्पर्म देगा, वो दोनों फर्टिलाइज होकर क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे, और उसकी वजह से जो है हमारे पास बनेगा ऑर्गेनिज्म। ये कहलाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि असेक्सुअल के अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, और जबकि सेक्सुअल के अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह से ये दो हमारे पास मौजूद होते हैं, टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं, इट्स अ प्रीमेटिव मेथड। ये एक्चुअली प्रीमेटिव मेथड है, पुराना मेथड है, जो कि स्टार्ट के अंदर ये ज़्यादा ऑर्गेनिज्म्स, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म्स थे, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे। तो ये प्रीमेटिव मेथड है रिप्रोडक्शन का, बाय विच न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड जस्ट फ्रॉम वन पेरेंट। एक पेरेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता था इसके अंदर, विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ द मेट गैमीट फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर कोई मेट नहीं चाहिए, मतलब जो दो जो ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते हैं, मेटिंग करते हैं, वो वाला प्रोसेस इसके अंदर नहीं होगा। साथ में इसके अंदर गैमीट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, और साथ में फर्टिलाइजेशन भी इसके अंदर नहीं होगी। फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जब दो गैमीट्स मिलते हैं, एग और स्पर्म मिलते हैं, तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आगे हम पढ़ने वाले हैं। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय दिस मेथड आर एग्जैक्ट कॉपीज़। इसके अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, वो एग्जैक्ट कॉपीज़ होती हैं।
इसका मतलब है कि इसके अंदर, क्योंकि दो ऑर्गेनिज्म के जब डीएनए मिलते हैं, सेल मिलते हैं, तो उसके अंदर वैरायटी आती है, क्योंकि दो तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है और उससे मिलकर हमारे पास तीसरी चीज़ बनेगी। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, अगर हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो ये इसकी एग्जैक्ट कॉपी होगा, एक जैसे ही ऑर्गेनिज्म इसके अंदर पैदा होते हैं और इसके अंदर आइडेंटिकल जो है उसके जैसे ही सेम टू सेम ऑर्गेनिज़म्स पैदा होते हैं, पर इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं ज़्यादा देखी जाती। वेरिएशन का मतलब है कि जो पेरेंट्स होगा उससे ऑफस्प्रिंग जो है उससे थोड़ा सा चेंज हो, लेकिन इसके अंदर चेंजिंग कोई नहीं होती, एग्जैक्ट कॉपीज़ होती हैं, बिकॉज ऑल द स्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, क्योंकि इनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म से आ रही है, तो जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन जो है एक ही पेरेंट से आ रही है, तो इसीलिए सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेम होगी और उसकी वजह से कोई वेरिएशन नहीं होगी, सारी चीज़ें सेम होंगी इसके अंदर और वो एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने फादर या मदर का, मदर का सॉरी, फादर फादर का नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर क्या होता है, सेल्स होते हैं दो, जिनको हम कहते हैं गैमीट्स, जिसमें एग और स्पर्म होते हैं, ये दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं और फ्यूज़ होते हैं। फीमेल जो है वो गैमीट वो कहलाता है एग या फिर ओवम, और हमारे पास मेल गैमीट जो होता है वो स्पर्म कहलाता है। ये जब दोनों फर्टिलाइज़ करेंगे आपस में तो जायगोट बनता है, उस जायगोट से आगे चल के वो डेवलपमेंट के अंदर न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ये जेनेटिकल डाइवर्सिटी का कारण बनती है और अडाप्टेबिलिटी इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से, जो डीएनए के अंदर भी चेंजेस आती हैं और उसकी वजह से हमारे पास डीएनए के अंदर जब चेंजेस आती हैं तो वहाँ पर वेरिएशन आती है, हमारे ट्रेड्स के अंदर, हमारे कैरेक्टर्स के अंदर वेरिएशन आती है, ये सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। तो जब दो सेल्स आपस में मिल रहे होंगे तो सेल्स आपस में मिलेंगी तो उनकी वजह से हमारे पास क्या आती है, वेरिएशन आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है हमारे पास। अल्टरनेटिव असेक्सुअल अलोज सिंगल पेरेंट टू जनरेट जेनेटिकली आइडेंटिकल, इसके अंदर असेक्सुअल के अंदर सिंगल पेरेंट होता है और वो जेनेटिकल आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म बनाता है, जबकि यहाँ पर कोई रिप्रोडक्टिव सेल जो है इन्वॉल्व नहीं होते सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल के अंदर हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल इन्वॉल्व होते हैं जो कि एग और स्पर्म हैं, और ये हमारे पास इसके अंदर बहुत सारी स्टेजेस भी शामिल होती हैं। सेक्सुअल के अंदर बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, जैसे कि स्पर्म गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट्स की फॉर्मेशन, मेटिंग जिसके अंदर गैमीट्स मिलते हैं आपस में, और साथ में फर्टिलाइजेशन जिसमें गैमीट्स फर्टिलाइज होते हैं, फ्यूज़ होते हैं एक दूसरे में। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब जायगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, वो डेवलप होता है। उसके बाद बर्थ और हैचिंग, जब बर्थ होती है बेबी की, तो ये हमारे पास पूरे इसके अंदर प्रोसेसेस आ जाते हैं और नया इंडिविजुअल बन जाता है। इसके अंदर बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हार्मोन्स इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन करते हैं। सेलुलर डिफरेंशिएशन, सेल जो है वो डिफरेंशिएशन शो करते हैं, मतलब जब सेल बनते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने लगते हैं, और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और इवेंट्स बहुत सारे इसके अंदर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होती हैं, लेकिन असेक्सुअल के अंदर नहीं होती। तो असेक्सुअल एक्चुअली प्रिमेटिव है और ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखा गया है, जबकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये था फर्स्ट लेक्चर हमारा, जिसमें हमने जनरल जो है रिप्रोडक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट को हमने समझा, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।